हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक खुश होंगे। मेरा नाम है समीम बिलाल और मैं सिडनी में हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए थे, कुछ में मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। जो लोग देखना चाहें, जिनको जिनको कुछ गाइडेंस मिले इन प्रोडक्ट्स से, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ इसलिए बहुत सी चीज़ें खरीदती रहती हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है मेकअप का, तो देखते हैं मेरी शॉपिंग। ठीक है, ये मैंने सफोरा से मंगवाया था, इसको करते हैं ओपन। इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने फेंटी का डायमंड बॉम हाइलाइटर मंगवाया। ये बहुत टाइम से मैं ट्राई करना चाह रही थी, सो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये मेरे क्लाइंट्स पे किस तरह का ग्लो लेके आता है। अच्छा चलिए, मैं ओपनिंग इसकी बाद में करती हूँ, सबकी पहले मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये फेंटी ब्यूटी का है डायमंड बॉम ऑल ओवर डायमंड वेल, ये है हाइलाइटर। ओके, अच्छा इसके बाद ये फ्रेश रोज़ डीप हाइड्रेशन फेस क्रीम है। मुझे इसका सैंपल मिला था पहले, मेरी लास्ट टाइम सफोरा से जो मैंने शॉपिंग की थी उससे पहले, और मुझे ये बहुत ही पसंद आया था, तो इस दफ़ा ये मैंने फुल साइज़ का मंगवा लिया है, ये मेरे अपने लिए है। ये मॉइस्चराइज़र है, आप डे में लगाएं, आप नाइट में लगाएं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक मुझे ये हुदा ब्यूटी का वाटर जेली ट्राई करना था, ये प्राइमर है अंडर द मेकअप। इसको पहले मैं ट्राई करूँगी, मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया, इसको पहले मैं अपने पे ट्राई करूँगी। कुछ मेरी और मॉडल्स होंगी उनके ऊपर मेकअप करके ट्राई करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा, अगर मुझे लगा कि ये प्राइमर लॉन्ग लास्टिंग है तो फिर मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि बहुत से प्राइमर हैं, बहुत हाई ब्रांड के भी मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता सबको। मुझे लगता है कि बस हम फेस पे लगा दिया है बट देर इज़ लाइक नो यूज़ ऑफ द प्राइमर। लेकिन इसका काफ़ी मैंने हाइप में सुना था तो मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ गो। वैसे मैंने काफ़ी सारे प्राइमर ट्राई कर लिए हैं, इसका भी मैं आपको जब ट्राई करूँगी तो मैं इसका भी रिव्यू दूँगी। अच्छा, ये मैंने एक स्पंज ऐसे ही मंगवाया था ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि बहुत से स्पंज की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा ही मैं कार्ट में ऐड कर लेती हूँ। ये एनास्टासिया बेवरली हिल्स का डीप ब्राउ पोमेड है। ये मैंने एक लाइट और एक डार्क शेड में मंगवाया था, क्योंकि मुझे अपनी किट के लिए हर तरह के ही शेड्स होते हैं। सो मैं बेसिकली क्या करूँगी, ये ब्लॉन्ड शेड है, ये डार्क ब्राउन है। लाइटेस्ट जिनको जिनकी आईब्रोज मैंने बनानी होंगी अपने क्लाइंट्स की, उनको मैं ये ब्लॉन्ड लगाऊंगी, और उसके बाद जो डार्क ब्राउन है, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इस तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी आईब्रोज तो डार्क ही होती हैं अनटिल अनलेस कि उन्होंने डिफरेंट टिंट ना किया हो। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि इसके जो बीच के कलर होंगे वो मैं इन दोनों को मिक्स करके कितने शेड बना सकती हूँ, इसलिए मैं, क्योंकि जब ब्राइड्स को तैयार करना होता है तो समटाइम मुझे उनकी लोकेशन पे भी जाना पड़ता है। समटाइम ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, सो आप इतनी सारी वैरायटी नहीं कैरी कर सकते अपनी किट में कि हर तरह के कलर्स आप कैरी करो, इसलिए आप लाइट एंड डार्क लेते हो और कुछ मिडिल के शेड लेते हो और उनको मिक्स करते हो, कस्टमाइज़ करते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट, और फिर उसको अप्लाई करते हो। और ये दोनों हैं एनास्टासिया के डीप ब्राउ पोमेड। अच्छा, ये मैंने इतनी शॉपिंग की है इस दफ़ा, ये मुझे सैंपल में आया है उनका जी रिवॉर्ड में था गिफ्ट। कितने प्यारे सैंपल हैं, दोनों ही लिपस्टिक्स हैं और मुझे लिपस्टिक्स वैसे ही बहुत पसंद है। चलो जी, ये हो गया सफोरा, इसको मैं खोल के भी दिखाऊं। चलो मैं भी दिखाती हूँ, पर मैं दिखा दूँ मैंने क्या क्या लिया। हाँ जी, इसको तो मैं ज़रूर ओपन करके दिखाऊंगी, इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बेसिकली इसी के लिए मैंने सारी शॉपिंग की है वाली। अच्छा अच्छा, ये डन हो गया। अब आया मैका में, बस मैं ऐसे स्टोर में गई थी तो मुझे मैका नज़र आ गया और मैंने वहाँ से एक चीज़ सिर्फ बाय करनी थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये केविन अकवान का स्किन एनहेंसर है, इसको कंसीलर नहीं कह सकते, कंसीलर भी है, फाउंडेशन भी है, ऑल इन वन है, लाइक स्किन एनहेंसर है।
और इसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी दूसरे मेकअप आर्टिस्ट से भी और कुछ अपने क्लाइंट से भी, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं अपनी किट में ऐड करती हूँ। कुछ लोगों को कवरेज ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स। हाँ जी, इसका नंबर है SX05। ये लाइट है, मैंने लाइट में चूज़ किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज के लिए इसको अपने किट में ऐड करना था, कि कभी कहीं पर मुझे कंसीलर से भी ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है, तो मैं इसको ऐड करूँगी। और ये करेक्टर का काम भी करता है, और केविन कुमार की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलो जी, ये भी हो। हाँ जी, जब जब मैं मैका चली गई और मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं रश में थी तो मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं कि मुझे क्या क्या और बाय करना है, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा L2 Level 2 का ब्यूटी लूप बॉक्स पकड़ा दिया। सो, ये मेरा ड्यू था वहाँ पर जो मैंने क्लेम नहीं किया था। हाँ जी, तो ये मैं बता रही थी कि मेरा Level 2 का ब्यूटी लूप बॉक्स जो था, ब्यूटी लूप बॉक्स जो था वो ड्यू था, तो उन्होंने मुझे ये पकड़ा दिया। अब जो लोग पता करना चाहते हैं कि इस दफ़ा ब्यूटी लूप बॉक्स में क्या है Level 2 के, तो ये हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं सामने, ये कुछ सैंपल डाला हुआ है, डे ब्राइटनिंग जेल क्रीम, और ये आपको जल्दी से दिखा देते हैं, डोंट डिस्पेयर रिपेयर डीप कंडीशनिंग मास्क है ये। और ये क्या है, ये इनका एडवांस जेनिफिक कॉन्सेंट्रेट यूथ एक्टिवेटिंग कॉन्सेंट्रेट, आई डोंट नो, ये लैमकॉम का, आई डोंट नो कि ये सीरम है फेस का क्या, ये ओपन करूँगी तो पता चलेगा। और ये अल्टा की 24/7 मॉइस्चर है। बस ये सैम्पल्स हैं इसमें बॉक्स में, और कुछ इतना खास नहीं होता, छोटे छोटे सैम्पल्स, छोटी क्रीम्स वगैरह कुछ होती हैं। और ये जो है, ये है ऑटो फ्रेगरेंस, इसको आप कहीं पर पेस्ट कर दो, वहाँ से फ्रेगरेंस आती रहेगी, चाहे कार की विंडो पे, चाहे आप घर की विंडो पे, कहीं भी आप इसको पेस्ट कर दो। आई डोंट नो, मैंने भी इसको खोला नहीं, लेकिन ये है कुछ ऐसे। चलें जी, इसको करते हैं वापस पैक, और अब देखते हैं कि प्राइस लाइन से मैं आज क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये ग्लू है जो मैंने खोल ली थी, और जिससे मैंने अपने फेक नेल्स लगाए आज की वीडियो के लिए, बहुत अच्छी है और काम की चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये L'Oreal का मस्कारा, वाटरप्रूफ, मैं कोई वाटरप्रूफ मस्कारा देख रही थी तो मुझे ये L'Oreal का मिला, सेल पे था, ले लिया। कुछ और नेल्स लेके आई मुझे नेल पसंद है, आर्टिफिशियल, और ये अच्छे लगे। ये फ्लॉलेस का एक मेरे पास एपिलेटर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसकी रिप्लेसमेंट हेड्स। ये आईलैश जो मैं ग्लू जो मैं आईलैशेस के लिए यूज़ करती हूँ, मेरी फेवरेट है। और ये एक और मस्कारा था मेबेलिन का ही, ये भी वाटरप्रूफ है, तो दोनों मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ कि चलो देखते हैं डिफरेंट भी। वैसे तो मैं टू फेस का मस्कारा यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई देते हैं, कुछ मस्कारे बैकअप पे हम चाहिए, ये भी वाटरप्रूफ। और ये एक शार्पनर है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी किट के लिए। ओके, तो ये थी मेरी इसकी शॉपिंग। तो ये प्राइस लाइन है ऑस्ट्रेलिया की एक फार्मेसी जहाँ पर मेकअप ब्रांड्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा सेल पर भी चीज़ें लगी होती हैं। तो वहाँ से शॉपिंग की, ये मैका की हो गई, लूप बॉक्स हो गया, और अब इसको खोलते हैं दोबारा। हाँ जी, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसके लिए मैंने सारी शॉपिंग ऐसे अपनी कार्ट में डाल ली थी। स्टॉक करने की मेकअप आर्टिस्ट को आदत होती है, और नई चीज़ें ट्राई करना तो बहुत ही मज़े का काम है। वाओ वाओ, ज़बरदस्त, कितना प्यारी इसकी पैकिंग है, लाइक डायमंड्स का इफेक्ट दिया हुआ उन्होंने इसकी पैकिंग पे। ये हमने इसको ओपन किया, और ये है जी इसकी फर्स्ट लुक, बहुत प्यारा डायमंड। हाँ जी, सॉरी, लाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये लें जी, मैंने स्वाच कर लिया अपने हाथ पे, अभी आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे लाइट में, वेरी नाइस। ओ, ये लाइट अगर गई है ना, ये लाइट बंद हो गई है, तो इसमें ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये देखें। चलो, कुछ तो फ़ायदा हुआ। ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है,
बाकी मैं एप्लीकेशन के बाद इसका रिव्यू भी दूंगी कि कैसा एप्लीकेशन रहा मेरी क्लाइंट्स के ऊपर। ये हो गया वाटर जेली, तो प्राइमर है वो, तो प्राइमर मेकअप लग के ही पता चलेगा। अच्छा ये दिखा देती हूँ ओपन करके, ये वाला बॉक्स, ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, इसकी हाइड्रेशन तो ऐसी कमाल है, ज़बरदस्त। ये इसका टेक्सचर है, मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ अपने हाथ पे। वाओ ज़बरदस्त, इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर है और फेस पे मुझे बहुत ही इसका टेक्सचर पसंद है, बहुत अच्छी हाइड्रेशन है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि अगर आपने यूज़ की है या नहीं यूज़ की किसी ने, और उसको ये कैसा लगा है इसमें से कोई भी। और आई होप कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। मेरे पास ये कुछ चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि मैं ये शेयर कर लूँ, जो नए मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आजकल मार्केट में है और हाइप में है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या लेना और क्या नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और मुझे बताएंगे वीलॉग कैसा लगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपके पास आती रहूँगी। बाय।